हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आज वीकली एक्सपायरी का दिन था और 200 पॉइंट का बाउंस बैक हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला है। तो ये 5 मिनट का चार्ट है, आज कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था निफ्टी का। तो जो हमने कल लेवल्स मार्क किए थे, ओवरसोल्ड जोन में RSI इंडिकेटर था, तो जो सेकेंड टारगेट का लेवल था इसके भी ऊपर निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और वन वे टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ये ट्रेड करता रहा। तो जो प्लान के अकॉर्डिंग हमने लेवल्स मार्क किए थे उसके अकॉर्डिंग तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी ट्रेडिंग के लिए, लेकिन वन वे मार्केट था आज तो काफ़ी जनों ने अच्छा यहाँ पर काम किया है मार्केट में। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। एक सुपर पैटर्न बना हुआ है जिसका नाम है पीवट बार रिवर्सल पैटर्न। इसके ऊपर खास एक स्पेशल वीडियो भी है टेक्निकल एनालिसिस का, उसकी लिंक मैं ऊपर या आई बटन में आपको दे दूंगा। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न जब बनता है तब एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है, बियरिश टू बुलिश ट्रेंड देखने को मिलती है। ये रेड कैंडल है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बना है और ग्रीन कैंडल का हाई लो और क्लोज प्रीवियस कैंडल के हाई लो और क्लोज के ऊपर है। तो यहाँ पर सुपर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है, ये कुछ इस तरह पीवट बार रिवर्सल पैटर्न। अगर मैं इसे बार चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो और क्लियरली दिखाई देगा आपको कि इसका हाई लो क्लोज प्रीवियस कैंडल का जो रेड कैंडल है इसका हाई लो और क्लोज के ऊपर बना हुआ है। तो पास्ट में जब भी ऐसा हुआ था, ऐसा पैटर्न आया था, तभी क्या हुआ था ये एक बार देख लेते तो शायद आपको आइडिया आ जाएगा। ये यहाँ पर रेड कैंडल, एक डाउनफॉल रेड कैंडल बना है, उसके बाद जबरदस्त ग्रीन कैंडल, उसका हाई लो और क्लोज ये प्रीवियस कैंडल के हाई लो और क्लोज के ऊपर है, और उसके बाद आप देख सकते हैं जबरदस्त अपसाइड मूव। इसके थोड़े दिन पहले भी ऐसे ही तरह से पैटर्न बना था, इस सेम पैटर्न, और उसके बाद ये अपसाइड मूव। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं पीवट बार रिवर्सल के। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर पैटर्न, डाउनफॉल रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल, उसका हाई लो क्लोज प्रीवियस कैंडल के हाई लो क्लोज से ऊपर है, और उसके बाद एक ज़बरदस्त अपसाइड मूव। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है, ऑलमोस्ट 90% टाइम जब भी ऐसा पैटर्न क्रिएट होता है तो एक ज़बरदस्त अपसाइड तेजी हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिलती है। सेम पैटर्न, सेम डाउनफॉल रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल, जिसका हाई लो क्लोज प्रीवियस कैंडल के हाई लो क्लोज से ऊपर है, और फिर उसके बाद आने वाले दिनों में एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिलती है। तो एक अच्छा सा पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ है। देखते हैं फिर से ये पैटर्न जो है वो काम करता है या नहीं। और एक बात है, कल जो हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था, ये लो और ये हाई को पकड़ के, तो इसका 38.2% का लेवल 50 DMA के पास ही आ रहा था, तो कहीं ना कहीं 15,550 का लेवल स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर सकता था। तो इस लेवल के यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिला है। अभी भी एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग इसमें देखने को मिल रही है निफ्टी इंडेक्स में, एक ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट्स के बीच में ट्रेड कर रहा है जून के स्टार्टिंग से। तो जब तक ये इन जोन को, इस जोन से बाहर ना निकले तब तक यहाँ पर ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना रिस्की साबित हो सकता है। अभी काफ़ी रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रही है तो डेली चार्ट का फिलहाल ये सीनारियो है। चलते हैं 60 मिनट की चार्ट में कल के लिए, देखते हैं क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकती है। ये आप देख सकते हैं 0-230 का लेवल था कल जो हमने मार्क किया था, इसके बाद RSI ने यहाँ पर राइजिंग डबल बॉटम पैटर्न बनाया और एक ज़बरदस्त अपसाइड मूव हमें प्राइस एक्शन में देखने को मिली। अभी कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा ये लेवल, यानी अराउंड 15,836 आज के हाई के जस्ट ऊपर, और उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 15,850। ये हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा और सेकेंड टारगेट बनेगा 15,864, ये हमारा सेकेंड टारगेट बनेगा। तो अगर गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो वेट करें, जब तक फिर से ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन लेवल को ब्रेक ना करे तब तक वेट एंड वॉच करना सही रहेगा। और जब ये टूवर्ड साउथ की तरफ आएगा तो हमारा ब्रेक डाउन लेवल होगा, ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं एक बार फिर से फॉल आया और यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ, तो ये जो लेवल है यानी 15,766 ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा, और इसके नीचे हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा 15,753, ये हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा, और सेकेंड टारगेट बनेगा 15,735, ये हमारा सेकेंड टारगेट बनेगा। तो ये निफ्टी के लिए लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी ये आर्ली चार्ट है, 60 मिनट का चार्ट आप देख सकते हैं, राइजिंग डबल बॉटम फॉर्मेशन,
RSI ने बनाया आर्ली चार्ट में, और उसके बाद प्राइस एक्शन में अपसाइड मूव, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया बैंक निफ्टी आज ऊपरी लेवल्स पे। तो कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा ये, यानी अराउंड जो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 EMA ने हर्डल यहाँ पर साबित हुआ है 20 EMA, तो जस्ट 20 EMA के ऊपर, यानी आज जो फर्स्ट आर का कैंडल है उसके हाई के ऊपर 34918, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। काफ़ी ऊपर है क्योंकि इसके बीच में काफ़ी सारे हर्डल्स हैं, तो हर्डल को पार करने दीजिए तो ही यहाँ पर इंट्राडे के लिए लॉन्ग जा सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 34993, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड जस्ट 50 EMA के नीचे, यानी 35079, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो यहाँ पर ये जो छोटा स्विंग एक हाई बनाया है ये 34544, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 34468, ये हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा, और सेकेंड टारगेट बनेगा अराउंड 34389, ये हमारा सेकेंड टारगेट बनेगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल से कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।